तो जो स्पीकर ग्रिल के अंदर का फिल्टर होता है ना, ये भाई यहाँ से मिसिंग है, जो कि बिल्कुल भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि भाई ये एक सुपर कंडीशन का फोन है। ओके गाइस, ये गूगल पिक्सल 2 जिसे हमने रीफिट से गुड कंडीशन में बाय किया था, एंड इसके बारे में मैंने आपको सारा चीज बताया था, कंडीशन कैसा है, वर्किंग कैसा करता है। एंड उसी वीडियो में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कैसा है ये तो भाई बात करने के बाद पता चलेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, जहां पे मैं एक सुपर बी कंडीशन बाय करूंगा, वहां पे इसका आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी थोड़ा सा आपको इंट्रो जरूर दूंगा। ओके, तो चलो वो टाइम आ गया है। तो गाइस सबसे पहले वेबसाइट देखोगे तो भाई ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, शार्क टैंक से ये अप्रूव है, इसलिए हमने इसके बारे में जाना भी। और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 250 का डिस्काउंट भी मिल जाता है, और ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 डेज का इजी रिटर्न, 47 पॉइंट क्वालिटी चेक और 6 महीने का आपको वारंटी मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्मार्टफोन देखे तो आपको डिफरेंट टाइप के ब्रांड के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, एप्पल, एसुस, जियोनी, गूगल, ऑनर, इन्फिनिक्स, सारे कंपनी के, बट हाँ सभी अवेलेबल बिल्कुल नहीं रहते हैं, बहुत कम ही स्मार्टफोन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो गाइस यहाँ पे जैसा देख सकते हो, एप्पल आईफोन XR 17,899, आईफोन 11 का प्राइस एक बार देखते हैं, 23,599, सुपर कंडीशन का, वेरी गुड कंडीशन का 22,000 है, और गुड कंडीशन का 20,399। अब चलो एक बार ना कंडीशन को थोड़ा बढ़िया से देखते हैं, तो ग्रेडिंग डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे देखोगे सुपर, वेरी गुड और गुड कंडीशन है। इस वाले पार्ट को आराम से पॉज करके आप पढ़ लेना, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो कंडीशन के बारे में। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप एक रीफर्बिश फोन बाय करते हो। तो ऐसे मैंने आपको आईफोन और गूगल पिक्सल 2 बहुत रीफर्बिश दिखा रखा है, और गूगल पिक्सल 2 तो इससे पहले ही दिखाया था। तो चलो आज ना एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन बाय करते हैं। तो मोटोरोला आ गया यहाँ पे अभी हमें, या ये मोटो E4 प्लस, जब ये लॉन्च हुआ था तो ये था लगभग 10,000 के अराउंड का, और अभी ये हमें 3,000 में गुड कंडीशन, सुपर कंडीशन 3,500 में, एंड यहाँ वेरी गुड कंडीशन 3,299 में देखने को मिल रहा है। तो चलो इसे हम बाय कर लेते हैं। तो गाइस हमने ऑर्डर तो कर दिया है, अब ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं बता दूं, ये वाला पार्ट यानी कि रिव्यू पार्ट और इंट्रो पार्ट अभी शूट हो रहा है, अनबॉक्सिंग पार्ट आज से 3 दिन पहले शूट हो गया था, और ये रहा मेरे हाथ में मोटो E4 प्लस। तो गाइस सबसे पहले आप अनबॉक्सिंग देखो, फिर इसके बाद हम कंडीशन एंड वर्किंग को बढ़िया से टेस्टिंग करेंगे कि कैसा ये फोन है। ओके ओके, सो आफ्टर 3 डेज हमारे पास फाइनली रीफिट का डब्बा आ चुका है। सबसे पहले डब्बा पर देखे तो रीफिट का ब्रांडिंग सभी जगह किया हुआ है, एंड चलो कट करते हैं बॉक्स। तो सबसे ऊपर बबल रैपर, तो ये हमारा फाइनल डब्बा जिसमें हमारा स्मार्टफोन है। सबसे पहले डब्बा पे कोई सील नहीं है एज यूजुअल, ऑलराइट, फोन ऑन ही है जैसा देख सकते हो। सबसे पहले बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। तो एक यहाँ पे रीफिट करके चार्जर भी है, ऑफ कोर्स ये आफ्टर मार्केट वाइट लेबलिंग चार्जर है, एंड इसमें आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलते हैं और एक सिम इजेक्टेड पिन, कोई यूजर मैनुअल नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ये हमें इतने सारे एसेसरीज देखने को मिला है। तो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ इसे बढ़िया से टेस्टिंग करने के बाद। तो ये एक सुपर कंडीशन का स्मार्टफोन, तो चलो सबसे पहले कंडीशन में नजर डालते हैं। तो बैक पैनल जैसा देख सकते हो भाई, बहुत ही क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटरोला के लोगो पर भी कोई स्क्रैच नहीं है, कैमरा रिंग के ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है, एंड इवन यहाँ पे जो माइक्रोफोन है ये भी क्लीन है, एंड इसके बाद यहाँ पे जो लाइनिंग वगैरह है इसके अंदर कोई डर्ट वगैरह नहीं गया हुआ है। इसका बॉटम एरिया देखे तो यहाँ माइक्रोफोन क्लीन है और स्पीकर ग्रिल भी यहाँ पे क्लीन है। टॉप एरिया में 3.5mm जैक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप कोई स्क्रैच और डेंट वगैरह कुछ नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई डर्ट गया हुआ है। अब यहाँ पे गाइस फ्रंट साइड देखे तो देखो फ्रंट में यहाँ पे स्क्रीन और आपको एक सेंसर, इंडिकेटर लाइट, और साथ में यहाँ पे कैमरा और फ्लैशलाइट भी देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, कोई डेंट नहीं है, लेकिन हाँ डिस्प्ले के ऊपर आपको माइनर सा स्क्रैच देखने को मिलेगा, जो कि हेयर लाइक है, जिसे आप अराउंड 1 फीट के डिस्टेंस से बिल्कुल नहीं देख सकते हो, थोड़ा क्लोज लाओगे तब जाकर आपको दिखेगा। तो भाई कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, तो जो स्पीकर ग्रिल के अंदर का फिल्टर होता है ना, ये भाई यहाँ से मिसिंग है, जो कि बिल्कुल भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि भाई ये एक सुपर कंडीशन का फ़ोन है, ये चीज़ मिसिंग नहीं होना चाहिए था, बट है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन वगैरह मैं बोलना चाहूँगा 9 out of 10 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, मैं कोई यहाँ पे फिलॉसफी देने नहीं आया हूँ भाई। देखो आपके भाई ने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप वहाँ पे अगर ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है, वहाँ पे आपको लेटेस्ट डील वगैरह जो आते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। सेकेंड,
कुछ चीज़ें जो होती इंटरनली वो वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, सेंड करता हूँ आपको फोटो वीडियोज वगैरह जो देखकर आपको अच्छा लगता है। तो अभी कभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल। ऐसे ही बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हमारे नेम से बन रखे हैं, बट ये वाला लिंक के थ्रू जाना ताकि आप सही जगह पे पहुंच पाओ। अब बात आती है वर्किंग को लेकर, ये फ़ोन कैसे काम करता है, बटन वगैरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिंगरप्रिंट कैसा काम कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल किया है, तो ऐप मैंने ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे देख सकते हो मोटरोला E4 प्लस आ गया है। एंड्रॉयड नॉगेट पे अभी वर्किंग है। डिवाइस में आने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, सिस्टम में देख सकते हो सारा चीज़। तो सबसे पहले मैंने डिस्प्ले का टेस्टिंग किया, तो यहाँ पे सारा चीज़ काम अच्छे तरीके से कर रहा था, कलर वगैरह परफेक्टली वर्किंग थे। इसके बाद मैंने फ्लैश लाइट चेक किया, तो भाई फ्लैश लाइट भी काम कर रहे हैं, लाउड स्पीकर भी सही है, ईयर स्पीकर भी यहाँ पे सही है, ईयर प्रॉक्सिमिटी, वाइब्रेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, फिंगरप्रिंट, वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये सारा अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो सारे में राइट टिक आ गया है, तो भाई ये सारे चीज अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे कैमरा का टेस्टिंग किया, बैक एंड फ्रंट कैमरा, तो दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इवन यहाँ फ्लैश लाइट वगैरह भी फ्रंट कैमरा का भी काम कर रहे थे। इसके बाद मैंने इसे चार्ज में लगाकर देखा, तो चार्ज भी अच्छे तरीके से कर रहा था। तो वर्किंग में यहाँ पे 10 out of 10 देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये तो थे इसके फर्स्ट पहलू, जिसमें मैंने आपको बताया रीफिट का, सुपर कंडीशन का, सारा चीज़ कैसा है, वर्किंग कैसा है। अब बात करते हैं क्या ये स्मार्टफोन 2024 में हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इसका जो प्राइस है रीफर्बिश्ड का, ये 3500 है, तो हम ये लेकर चलेंगे कि 3500 में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तकनीकी बातचीत करते हैं। 5.5 इंच का डिस्प्ले है, 13 megapixel प्लस 5 megapixel का कैमरा है, 5000 mAh का बैटरी है, 32GB प्लस 3GB रैम, क्वाड कोर प्रोसेसर और एंड्रॉयड नॉगेट पे ये अभी रन कर रहा है। तो भाई ये तो थे इसके तकनीकी बातचीत। अब एक्चुअल में जब हम इसे टेस्टिंग कर रहे थे, तो कैसा ये काम कर रहा था। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले का मैं टेस्टिंग किया, तो भाई यहाँ पे हमने 4K वीडियो प्ले करके देखा, 4K वीडियो प्ले हो रहे थे, लेकिन हाँ 1080p वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लेबल था। एंड यहाँ पे देख सकते हो कलर वगैरह कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा कलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डिटेल्स एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है ये काफ़ी अच्छा है। अब जो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है, ये बहुत ही पुराना है, तो भाई यहाँ पे हम कोई BGMI या COD प्ले नहीं करेंगे, हम नॉर्मल सा इसमें गेम खेलकर देखेंगे। सबसे पहले सब्वे सर्फ, तो गाइस ये जो तीनों गेम है इसमें अच्छे तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला, तो नॉर्मल सा गेमिंग आराम से इसमें कर सकते हो। अब मल्टीटास्किंग की बात आती है, तो हाँ फ़ोन लैग करता है, लेकिन हाँ अगर आप नॉर्मल सा YouTube प्ले कर रहे हो, एक बार में एक ही टैब ओपन करके यूज कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन इसमें आप शॉर्ट वीडियो वगैरह भी आराम से देख सकते हो, दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात आती है कैमरे का, तो 13 megapixel प्लस 5 megapixel का कैमरा है, तो कुछ सैंपल हमने इससे लिया है, आप एक बार ये देख लो। ये इसके बैक कैमरा का रिकॉर्डिंग है एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का सैंपल आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे कैमरा का मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, कैमरा वर्किंग है या नहीं, तो जैसा देख सकते हो भाई कैमरा फुल वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है कैमरा में। तो गाइस ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इसके फ्रंट कैमरा से एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का सैंपल आपको देखने को मिलता है एंड एक्चुअल में यहाँ फ्रंट कैमरा भी वर्किंग है जैसा बैक कैमरा था। तो गाइस यहाँ फोटो और वीडियो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अंडर 5000 के हिसाब से इतना भी खराब नहीं है। एक चीज काफी इंप्रेसिव है, 5000 mAh का बैटरी है, चार्ज होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ एक बार चार्ज होने के बाद आप इसे बहुत ही ज़्यादा यूज कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी बैटरी को लेकर। तो भाई 5000 mAh का बैटरी है, अच्छा खासा चल जाता है। तो फाइनली गाइस बात करते हैं मुद्दे की, तो यहाँ पे सबसे पहले दो पॉइंट उठते हैं, पहला आफ्टर सेल सर्विस कैसा है इस रीफिट वेबसाइट का, और सेकेंड ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीफिट का आफ्टर सेल सर्विस। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, क्या आप इस ऑर्डर को कन्फर्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, फिर आप यहाँ से कन्फर्म कर देते हो। कन्फर्म करने के बाद इन्होंने मैसेज किया है, सर डिस्पैच कर दिया है, आज या कल में पिकअप हो जाएंगे।
तो भाई चलो अच्छी बात है, पिकअप हो गया जल्दी, क्योंकि मैं टायर वन सिटी में रहता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे। अब सेकेंड बात, अब जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो रिटर्न एंड जो रिफंड पॉलिसी इनका, एक बार आप इसे बढ़िया से पढ़ लेना, ऐसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, फोटो और वीडियो के साथ आपको 48 आवर्स के अंदर में जो भी प्रॉब्लम आप इसमें फेस कर रहे हो, अगर ये डैमेज है, डिफेक्टिव है, तो आपको 48 आवर्स के अंदर में ही आपको साची करना होगा, फिर जाकर आप इसके लिए अर्जी डाल सकते हो। इन केस लेट हो जाता है, फिर आपको वारंटी वाले सेक्शन में क्लेम करना पड़ेगा सारा चीज़। ऐसे मैंने गूगल पिक्सल 2 के बारे में बताया था, आफ्टर सेल सर्विस इसका कैसा रहा है, तो देखो यहाँ मैंने मैसेज में डाला था आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस फोन, लेकिन हाँ कोई रिप्लाई व्हाट्सएप पर नहीं आया। इवन मैंने एक दो बार कॉल भी ट्राई किया, कॉल पिक नहीं कर रहे थे, बिजी आ रहा था, तो भाई थोड़ा सा दिक्कत तो मुझे लगता है, तो देख लो आप। ऐसे भी रिफर्बिश वेबसाइट है तो अपने रिस्क पे ही बाय करें, ये तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। अब बात आती है, क्या ये स्मार्टफोन हमें 2024 में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो 3,350 में भाई एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा पैसा और डालो रिफर्बिश्ड में, तो आप एक अच्छा स्मार्टफोन बाय कर सकते हो, क्योंकि 6,000-7,000 में अच्छा खासा स्मार्टफोन आ जाते हैं, लाइक OnePlus 5 जो हमने रिसेंटली बाय किया था, गुड स्मार्टफोन इन 2024 अंडर 7,000। तो गाइस आप मुझे बताओ आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस रिफर्बिश्ड वेबसाइट पे, कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो में, तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।